नमस्कार साथियों मैं महेश कुमार एग्रीकल्चर एंड जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए की प्रीवियस ईयर 2019 के एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन जो है वहां पर आपसे पूछे गए थे <coughs> क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप जानते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए क्योंकि उससे हम एक तरह से तो पैटर्न का पता लगा सकते हैं ऊपर से क्वेश्चन का जो है लेवल हम इससे जान सकते हैं तो आइए जानते हैं आज की 2019 में जो आपका एजीटीए का पेपर हुआ था कौन से क्वेश्चन जो है हाँ आपसे पूछे गए थे उनको जो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल वीडियो जो है रहने वाली है तो जल्दी से जो है इस लाइव सेशन को शेयर भी कर दीजिए लाइक like कर दीजिए सेशन को और साथ ही साथ जो है शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारी ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारी ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इस ऐप में जो है आपको हमारे द्वारा चलाए जाने वाले सारे कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी उसकी डेमो क्लासेस और फ्री क्लासेस जो है आपको इसमें अवेलेबल कराई जाती हैं साथ ही साथ जो 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 है है आपको इसमें न्यू अपडेट्स मिल जाएगी जो भी न्यू एग्जाम्स आते हैं जो भी अपडेट्स आती है और जो सिलेबस रहते हैं उन एग्जाम के वो आपको इसमें मिल जाएंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको इस ऐप में मिल जाएंगे हमारी जो भी यूट्यूब क्लासेस होती है इनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको इसी ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी तो इस ऐप को जो है आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या इसका जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप को और इसका फायदा उठाए साथ ही साथ अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जीके आपके लिए एक किफायती कोर्स लेकर आया है मात्र चार सौ निन्यानवे रुपए में यह कोर्स आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा जिस कोर्स में कि आप फीचर की बात करें इसमें तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासेस यहां पर मिल जाएंगी बायलिंग्वेल क्लासेस है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है क्लासेस आपके लिए इसमें अवेलेबल रहेंगे वहीं पर स्टडी मटेरियल जो है आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पेपर है वो विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फुल लेंथ है देखिए टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएगी जिसको अटेम्प्ट करके आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट करके कंप्लीट एनालिस अपनी ले सकते हैं साथ ही आपको ट्वेंटी फोर इंटू सेवन जो है फुल सपोर्ट दिया जाएगा अगर इस कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट एग्रीकल्चर जीके डॉट इन पर जाकर जो है इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और साथ ही हमारी ऐप एग्रीकल्चर जीके पर जाकर भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वारी रहती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर चलते हुए भी दिख जाएंगे साथ ही में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे तो वहां पर कांटेक्ट करके भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं तो देखिए बहुत ही किफायती और बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट के साथ आपके लिए कोर्स रहेगा मात्र चार सौ निन्यानवे रुपए में आप इस कोर्स को परचेज कीजिए और इसका फायदा उठाइए चलिए तो देखते हैं अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं पहले जो है एक बार फिर से जो है शेयर कर दीजिए लाइक like कर दीजिए लाइव सेशन को और साथ ही साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ पाए एग्जाम की जो इस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कौन से लेवल के किस लेवल तक के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर जैसे आप जानते हैं कौन सा एक्ट था डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब इसे पारित किया गया था कब इसे लाया गया था तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं देखिए 1914 में 1905 ईस्वी में 1919 में या 1915 में देखिए जो इसका राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा उन्नीस यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा जैसे आप जानते हैं डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट था 1914 में जो है तीन फरवरी 1914 को जो है इसे लाया गया था कब लाया गया था तीन फरवरी 1914 ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस एक्ट को लाया था किस लिए लाया गया था क्योंकि उस समय पर क्या होने लग गया था ज्यादा से ज्यादा कोई जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट होते थे वो क्या है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक बाय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होने लगे फैलने लगे और भारी नुकसान वो करते थे एक तरह से डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट वो थे मतलब कि ज्यादा नुकसान करने वाले तो उनकी जो रोकथाम थी वो बहुत जरूरी थी इसलिए ये एक्ट लाया गया और इसी एक्ट के बेसिस पर क्या लाया गया प्लांट क्वारंटाइन ओके याद रखना आपने जो प्लांट क्वारंटाइन की सेंक्शनिटी हुई थी वो किसके बेसिस पर हुई थी वो हुई थी हमारे डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट उन्नीस सौ चौदह के बेसिस आपने ध्यान रखना है प्लांट क्वारंटाइन जो है इसी के बेसिस आया था जो कि क्या है 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 एक <laughs> रेगुलेटरी मेजर है। ठीक है? प्लांट क्वारंटाइन की बात करें तो आप जानते हैं मोस्टली तीन टाइप के जो है हमारे पास क्वारंटाइन रहते हैं एक कौन सा रहता है ठीक है एक आता है हमारे पास डोमेस्टिक क्वारंटाइन ओके कौन सा है एक तो हमारे पास आता है डोमेस्टिक क्वारंटाइन फिर आता है हमारे पास इंटरनेशनल क्वारंटाइन ओके डोमेस्टिक क्वारंटाइन आता है इंटरनेशनल क्वारंटाइन आता है और एक थर्ड हमारे पास जो आता है वो कौन सा रहता है एम्बार्गो या फिर उसके अंदर भी हमारे पास पार्ट आते हैं कंप्लीट एम्बार्गो और पार्शियल एम्बार्गो ठीक है एम्बार्गो की बात करें तो जैसे कि यहां पर हमारे पास क्या है थर्ड टाइप है एम्बार्गो देखिए जो फर्स्ट टाइप हमारे पास है यहाँ पर डोमेस्टिक क्वारंटाइन की बात करें तो जो डोमेस्टिक क्वारंटाइन है जब भी कोई स्टेट टू स्टेट यानी कि विद इन अ कंट्री एक ही कंट्री के स्टेट टू स्टेट क्या रहता है वहां पर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वहां पर जो रेगुलेटरी मेजर काम करते हैं उन्हें डोमेस्टिक क्वारंटाइन कहा जाता है ओके सेकंड जो आता है इंटरनेशनल यानी कि जब इंटर कंट्री यानी कि कंट्री दो कंट्री के बीच में जब कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वहां पर कौन सा लीगल रेस्ट्रिक्शन काम करती है इंटरनेशनल क्वारंटाइन वहीं पर एम्बार्गो की बात करें यानी कई जगह पर यह भी दो टाइप के हमारे पास आता है एक आता है कंप्लीट एम्बार्गो और एक आता है हमारे पास पार्शियल एम्बार्गो ठीक है यानी कि कुछ प्लेसेस किस तरह के रहते हैं कि वहां पर कुछ डिजीज को हम क्या कर सकते हैं ले जा सकते हैं मतलब एक तरह से परमिशिबल रहती है कि उनका कुछ अमाउंट क्या हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है या उन पर कंप्लीटली रोकथाम उस मटेरियल पर जो है नहीं ले लगाई जाती तो उसे क्या कहा जाता है पार्शियल एमवार्गो कहा जाता है कंप्लीट एमवार की बात की जाए तो कोई भी जो प्लांट मटीरियल रहता है वो एक जगह के लिए अगर हम क्या करना चाहें ट्रांसपोर्ट करना चाहें किसी जगह के लिए तो वो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट होता है उसको जो है वहां के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता ठीक है तो इस तरह के क्या रहते हैं हमारे पास है? एम्बायरगो के, के टाइप रहते हैं प्लांट क्वारंटाइन के टाइप रहते हैं चलिए साथ ही जानते हैं जो प्लांट क्वारंटाइन या प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड ठीक है यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है ठीक है इससे आपको एक समेराइज व्यू आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन हो गए ठीक है वो कौन कौन से हैं साथ ही में हमारे पास किस किस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है जो रिलेटेड टू प्लांट प्रोटेक्शन वर्क कर रहे हैं

एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है लोकस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो है फरीदाबाद हरियाणा में वर्क करती है ओके नेक्स्ट बात करें हम तो प्लांट क्वारंटाइन एंड स्टोरेज वहीं पर प्लांट प्रोटेक्शन डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज ये कहां पर है हमारे फरीदाबाद हरियाणा में ये है और 1946 को जो है इसकी स्थापना की गई थी ओके देखिए जो भी हमारे कोर्सेज है सीयूटी के कोर्सेज ये जो है आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट ये कहां पर है? हैदराबाद में है 1966 को जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी नेक्स्ट हमारे पास आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट जैसा आप जानते हैं इंसेक्टिसाइड एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया था उन्नीस अड़सठ में जो है ये आया था और पूरे इंडिया में जो है रेगुलेटरी मेजर इसने कब से रेगुलेट करना शुरू किया तो उन्नीस सौ पचहत्तर नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंट्रल आईपीएम सेंटर को जो है एस्टेब्लिश किया गया था कब 1992 में ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए कौन सा है हमारे पास प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है ये भी फरीदाबाद हरियाणा में है वहीं पर देखा जाए तो दो में जो है ये ऑर्डर पास किया गया था नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड जो है 2010 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी ऑनलाइन प्लांट क्वारंटाइन सर्विसेज की बात करें तो ऑनलाइन प्लांट क्वारंटाइन जो सर्विसेज हैं 2011 से जो है इसकी शुरुआत हुई तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट डेट्स है और इंपॉर्टेंट एक्ट्स यहाँ पर है ऑर्डर है इसको आपने ध्यान में रखना है ओके प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये मेजर जो जितने भी हमारे पास एक्ट और ऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशन कवर होती है वो यहाँ पर इस लिस्ट में दी गई है आपके पास चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपके पास इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या होने वाला है तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर लोकेटेड है ऑप्शन देखिए आपके पास नैरोबी दिया गया हैदराबाद दिया गया इथोपिया है मनीला है तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका कमेंट करके जल्दी से बताइए बात करें हम इंडिया में तो जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है कटक ओडिशा में है कहां पर है वो कटक ओडिशा में है अगर बात करें हम इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ठीक है तो वो कहां पर है कटक ओडिशा में वहीं पर जो अगर बात करें हम इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तो वो कहां पर है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनीला फिलीपीन में जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी हां राइट आंसर है आपका संतोष कुमार जी का राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन है ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है द वीड्स माइनर बिलोंग टू फैमिली जानते हैं जो एक तरह का मिमिक्री बीड है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला गेहूं में अब हम जानते तो है ये क्या है गेहूं में लगने वाला मिमिक्री वीड से कहा जाता है याद रखना तो क्या कहा जाता है इसे मिमिक्री वीड ये कहलाता है कॉमन नेम की बात करें तो इसे गिली डंडा के नाम से जाना जाता है वहीं पर इसे गेहूं का मामा कहा जाता है या इसे स्मॉल कैनरी ग्रास या कैनरी ग्रास के नाम से भी इस वीड को जाना जाता है ओके okay. किस तरह का वीड है ये वीड है अब देखें नुकसान किस तरह के करता है तो ये करता है न्यूट्रिटिव लॉस क्या करता है एक तरह से न्यूट्रिशन के लिए जो है ये कंपटीशन करता है वीट के साथ ठीक है न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन करेगा तो उस तरह से लगभग 40 से 50 परसेंट कितना है क्योंकि भारी नुकसान ये करता है यील्ड में लगभग 40 टू 50 परसेंट तक लॉस जो है ये वीड करता है ठीक है इसलिए जो है इसे हटाना क्या रहता है बहुत ही जरूरी रहता है ओके okay, इसके जो इफेक्टिव कंट्रोल की हम बात करें तो इनिशियल स्टेज में तो इसे हम क्या कर सकते हैं हाथों से निकाल करके इसे हटा दिया जा सकता है तो पहले जो है इसमें आइसो का इस्तेमाल किया जाता था कौन सा केमिकल यहाँ पर आइसो का इसमें इस्तेमाल किया जाता था इफेक्टिव कंट्रोल होता था इसका लगभग एक के डोज जो है पर हेक्टेयर यहाँ पर इसकी इस्तेमाल की जाती थी ठीक है इसके बाद जो है इसमें क्या देखा गया रेजिस्टेंस देखा गया कि फ्लैरिस माइनर क्या हो गया है इस आइसोप्रोटीरोन के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस हो गया है तो ये रेजिस्टेंस का पता जो है डॉक्टर आर के मलिक ने लगाया था ये भी याद रखना आपने ठीक है कौन सा है डॉक्टर आर के मलिक जो की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थे ठीक है तो उन्होंने जो है एच ए यू के थे ठीक है वहां पर जो है उन्होंने क्या किया इसका रेजिस्टेंस का पता लगाया कि जो आइसोप्रोटीरोन के अगेंस्ट जो है फ्लैरिस माइनर क्या हो गया है रेजिस्टेंट हो गया है ठीक है तो इसके बाद जो है क्या इस्तेमाल किया जाने लगा इसके लिए इफेक्टिव कंट्रोल के लिए जो है है सल्फो ठीक एक तो कौन सा सल्फो यहां पर इस्तेमाल किया जाने लगा डोजेस की बात करें तो लगभग ट्वेंटी ग्राम पर हेक्टेयर एक्टिव इनग्रीडियंट ठीक है ठीके? और इसी के साथ है, दूसरा जो केमिकल की बात करें हम तो मेट सल्फ्युर पर इस्तेमाल किया जाने लगा कौन सा है मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल ओके okay, तो ये दो जो दो जो केमिकल हैं इसकी बात करें मैट सल्फर मिथाइल की तो फोर ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है ठीक है है ठीक तो इस तरह से हमारे पास क्या है? अलग अलग जो है केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है इसके कंट्रोल के लिए सल्फो सल्फोसल्फुर का ट्वेंटी ग्राम पर हेक्टेयर वहीं पर जो है मैट सल्फ्योन मिथाइल का इस्तेमाल किया जाता है कितना ये आता है फोर ग्राम पर हेक्टेयर ठीक है तो इस क्वान्टिटी में जो है अब इसके इफेक्टिव कंट्रोल जो है किया जाता है ओके बात करें इसकी फैमिली की जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो फैमिली कौन सी रहती है ये ग्रास फैमिली से जो बिलोंग करता है यानी कि ग्रामीणी और पोएसी फैमिली से जो है ये बिलोंग करता है ओके okay? आकाश कुमार जी का राइट right आंसर है यहाँ पर संतोष कुमार जी का भी राइट right आंसर है मोहिम अंसारी जी का भी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास ए जो था राइट right आंसर था ग्रामिनी फैमिली से जो है ये बिलोंग करता है चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टेम एप्लीकेशन इन कॉटन इज फॉलोड फॉर दी मैनेजमेंट ऑफ ठीक है अगर आप जानते होंगे स्टेम एप्लीकेशन किसे कहा जाता है कॉटन में क्या किया जाता है इंसेक्टिसाइड की एप्लीकेशन की जाती है ठीक है बात करें इंसेक्टिसाइड की तो दो मेन इंसेक्टिसाइड एक तो हमारे पास आता है मोनोक्रोटोफॉस ठीक है कौन सा है मोनोक्रोटोफॉस आता है ठीक है और दूसरा जो है इंसेक्टिसाइड की बात करें हम तो वो है हमारे पास इमिडाक्लोप्रिड ओके okay? तो ये जो दो इंसेक्टिसाइड हमारे पास है इनका जो है छिड़काव किया जाता है कॉटन की क्रॉप ठीक है किस लिए किया जाता है ये आपको यहां पर बताना है 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 बोरर्स के 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 लिए 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 किया 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 जाता 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 सकिंग पेस्ट या रूट फीडर्स के लिए किया जाता है ठीक है, है, है दो का कंबाइन इस्तेमाल किया जाता है बात करें हम मोनोक्रोटोफॉस की तो इसका जो है वन इस ठीक है इस तरह के रेशियो में जो है वन पार्ट ऑफ मोनोक्रोटोफॉस एंड फोर पार्ट ऑफ वॉटर इस तरह से सोल्यूशन बना के ट्वेंटी डेज आफ्टर सोइंग जो है इसका छिड़का किया जाता है ओके सेकंड जब हम देखें सेकंड जो इमिडा क्लोप्रिड हमारे पास केमिकल है वन इज टू ट्वेंटी इसका जो रेशियो बनता है वन इज टू ट्वेंटी बनता है वन पार्ट ऑफ इमिडा क्लोप्रिड एंड ट्वेंटी पार्ट ऑफ वॉटर इस कंसेंट्रेशन में जो है इसको अप्लाई किया जाता है फोर्टी टू फोर्टी फाइव डेज आफ्टर सोइंग

C हमारे पास राइट आंसर या तो है याद रखना है ओके okay? मोस्टली जो है क्या है हमारे पास मोनोक्रोटोफॉस यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है मोनोक्रोटोफोज के और यहाँ पर इस्तेमाल की बात करें तो इसको जो है आर्मी वॉर्म हो गया बॉल वॉर्म हो गया कॉटन में उसके इस्तेमाल के लिए भी किया जाता है ठीक है और साथ ही साथ जो है एफिड और व्हाइट फ्लाई के लिए जो है और एफिड की बात करें तो उनके लिए इमिडा क्लोक्रिड है वो भी क्या है एक इफेक्टिव केमिकल माना जाता है तो दोनों की एप्लीकेशन स्टेम एप्लीकेशन जो है कॉटन में कहलाती है ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास आया है हीरोइन वन ऑफ़ द मेजर केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एब्यूज इज ऑप्टेन फॉर्म यानी जो हीरोइन है जिसको एज अ ड्रग इस्तेमाल किया जाता है वो किस प्लांट से ऑप्टेन की जाती है किस प्लांट से जो है उसे निकाला जाता है ये आपको बताना है देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास दतुरा है पॉपी है पेरीविंकल है या हेम्प प्लांट से? किस प्लांट से जो है हीरोइन जो है आपके उसे निकाला जाता है ठीक है तो जो राइट right आंसर यहाँ पर आप इस प्लांट को पहचान सकते हैं कौन सा प्लांट है ये ठीक है फ्लावर भी यहाँ पर उस प्लांट के है बहुत ही रेयरली जो है पाया जाता है ये प्लांट ठीक है वहीं पर देखा जाए पर हमारे पास इसके जो फ्रूट पार्ट है ठीक ठीक है 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 वो भी यहाँ पर दिया गया कॉमनली पाया जाने वाला ये प्लांट है कौन सा प्लांट है ये कमेंट करके बताइए जल्दी से इसका आंसर जो है इसी में है राजीव पांडे जी कह रहे हैं ऑप्शन बी जी है बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर ओमकार यादव जी कह रहे हैं पॉपी प्लांट जी है बिल्कुल Blood, जो है राइट right आंसर है हीरोइन जो ड्रग है एक तरह से, से आप जानते हैं जो शुगर केन का कमर्शियल लेवल पर अगर हम क्या करते हैं प्रोपागेशन करते हैं तो कमर्शियल लेवल पर प्रोपागेटिंग जो मटेरियल रहता है उसे क्या कहा जाता है सेट्स कहा जाता है और उन्हीं सेट्स को हमने क्या करना होता है एक पोर्शन से निकालना रहता है प्लांट के तो कौन सा वो पोर्शन है जहां से अगर हम उन सेट्स को निकालते हैं तो वो कैसे रहते हैं सबसे सही जो है वो सेट रहते हैं हाईली विग्रेस रहते हैं और उनमें क्या रहती है ग्रोथ और डेवलपमेंट उनमें सही से होती है तो देखिए ऑप्शन दिया गया हमारे पास बॉटम वन थर्ड पोर्शन से निकालने पर जो है सेट अच्छे होते हैं या टॉप वन थर्ड पोर्शन है या मिडल थर्ड पोर्शन है या लेटरल शूट से अगर हम क्या निकालते हैं सेट्स को निकालते हैं तो वो ज्यादा सही रहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है मैक्सिमम का आंसर आ रहा है टॉप वन थर्ड पोर्शन जी हाँ बिल्कुल राइट right आंसर है आपके ठीक right है राइट आंसर है ओमकार यादव जी का भी बिल्कुल राइट आंसर है कौन सा है ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा यहाँ पर टॉप वन थर्ड पोर्शन से अगर हम क्या करते हैं सेट्स को निकालते हैं तो वो कैसा रहता है मोस्ट इफेक्टिव रहता है हाईली सेट्स वो तैयार रहते हैं बात करें जब हम प्लांटिंग कर रहे होते हैं ठीक है सेट्स है तो सेट्स आप क्या कर रहे हैं एक तरह से शूट्स को यहाँ पर डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें क्या हो सकती है मे बी डिजीज से जब से ये में क्या करेगा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा तो उस समय इसमें क्या हो सकती है इंसेक्ट पेस्ट या पैथोजन जो है इसमें अटैक कर सकते हैं यह राजीव पंडित जी राइट आंसर है बिल्कुल आपके ठीक है तो देखिए यहाँ पर जो है आप ट्रीटमेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आप एक तो एजोस्पायरेलम का ट्रीटमेंट दिया जाता है ओके याद रखना है आपने कौन सा है एजोस्पाइर ठीक है, बायो फर्टिलाइजर है, है? तो है टेन पैकेट के के का एक घोल बना देते हैं ठीक है उस घोल में हम क्या करते हैं लगभग पंद्रह मिनट तक ओके एक तरह की स्लरी यहाँ पर तैयार करते हैं और उस स्लरी में पंद्रह मिनट तक जो है उन सेट्स को डुबो करके रखा जाता है और उसके बाद जो है इनको प्लांट किया जाता है एक तरह से यहां पर इस तो तो कार्बेंडाजिम इस्तेमाल, तो का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर ठीक है फंजीसाइडल ट्रीटमेंट करने के लिए सेट्स का, तो कितना है यहां पर? एक से दो ग्राम एक से दो ग्राम पर लीटर हम क्या बनाते हैं सोल्यूशन बनाते हैं उस सोल्यूशन में क्या करते हैं डिप करते हैं

जो है सेट्स को जो है रखा जाता है जिससे जो है लेट में जो डिजीज आती है कौन सी डिजीज है ग्रासी शूट डिजीज जो होती है शुगर केन की उससे जो है ये बचाता है ओके कौन सी ग्रासी शूट डिजीज को ये प्रिवेंट करता है ओके तो इसलिए क्या किया जाता है स्टीम ट्रीटमेंट दिया जाता है यह भी आपने याद रखना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टीम ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है किस टेम्परेचर पे कितने टाइमिंग के लिए ओके और किस डिजीज को रोकने के लिए किया जाता है

1.5 लीटर ऑफ मोनोक्रोटोफॉस 36 एस सी इज अप्लाइड ओवर टू हेक्टेयर ऑफ चिली क्रॉप बाय मेकिंग 1000 लीटर ऑफ स्प्रे फ्लूड यानी कि आपने क्या करना है 1000 लीटर में अगर आप क्या बनाते हैं सोल्यूशन बनाते हैं किसका डेढ़ लीटर मोनोक्रोटोफॉस जो कितनी स्ट्रेंथ है जिसकी 36 परसेंट एस सी है वो ठीक है तो इसको अगर आपने बनाना है ठीक है थाउजेंड लीटर में तो कितना यहाँ पर आपके ये स्ट्रेंथ बने इसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पर कितनी बनेगी आपको बताना है ठीक है, दिया गया है, दिया गया है, है, या है? ठीक है तो, तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम तो अमाउंट की बात करते हैं सबसे पहले कितना अमाउंट दिया गया हमारे पास वन पॉइंट फाइव लीटर ठीक है 1.5 लीटर दिया गया है हमारे पास और साथ ही में बात करें हम दूसरा कौन सा है हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात करें स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ हमारे पास है थर्टी सिक्स परसेंट क्या है ये थर्टी सिक्स परसेंट एससी हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन यानी कि 36 ये पर कंसेंट्रेटेड है अमाउंट हो गया हमारे पास तो मेन चीज हम याद रखेंगे क्या है इंसेक्टिसाइड का अमाउंट है ठीक है दूसरा क्या है हमारे पास एक्टिव इनग्रीडियंट हो गया ओके और हम थर्ड देखते हैं सोल्यूशन सोल्यूशन कितने में करना है हमें इसका थाउजेंड लीटर में कितने बनाना है थाउजेंड लीटर में जो हमें इसे बनाना है अब यहाँ पर हम देखते हैं तो कितना बनेगा हमारे पास वन पॉइंट फाइव लीटर में ठीक एक पॉइंट अगर एक लीटर की बात करें तो कितना रहता है हमारे पास वहां पर एक्टिव लीटर की बात इंटू थर्टी सिक्स हो जाएगा परसेंट की बात करें तो डिवाइडेड बाय हंड्रेड ठीक है तो कितना आएगा लगभग हमारे पास यहाँ पर जीरो पॉइंट फाइव फोर ठीक है इतने परसेंटेज जो है हमारे पास इसकी यहाँ पर आएगी सोल्यूशन की बात करें हम तो सोल्यूशन अगर सोल्यूशन तो है, है? एक हजार लीटर में बनाना है हमने, लीटर में जो हमें इसका बनाना है तो हम इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए इसकी तो कितना हो जाएगा हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट के आसपास जो है ये आ जाएगा ठीक है तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर यानी जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट जो है क्या रहेगी यहाँ पर हमारे पास जरूरत रहेगी इसकी इतना टॉपिक कवर कराए जाते हैं करा है। जो सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स रहते हैं वो कंप्लीट कवर कराए जाते हैं ठीक है कंप्लीट okay? जो है टॉपिक को डिस्कस किया जाता है कोर्सेज में okay? चलिए

तो इसके सीड रेट के बारे में आपसे पूछा गया देखिए इतना कम जो है इसका क्या है सीड रेट यहाँ पर है अगर इतना कम सीड रेट है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर टेस्ट वेट कम है तो सीड रेट भी आपका क्या होगा कम ही इसका होगा है yeah. तो जो राइट आंसर पर अनिल दत्ता पटेल जी का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए ठीक है यानी कि एक से दो के जी रहता है ओके तो कितना कि है एक से दो के जी सिर्फ तो बैको का सीड रेट सीड रेट रहता है पर हेक्टेयर के लिए याद रखना है आपने ओके चलिए

देखिए यहां पर जीरो पॉइंट फोर हेक्टेयर एरिया में कितनी रहेगी यानी कि हमसे पूछा गया कि अगर एक हेक्टेयर में हमारे तीन के जो है सिमाजिन अप्लाई होता है सिमाजिन क्या है हमारे पास है हर्बिसाइड है ठीक है एज ए प्री एमर्ज हर्बिसाइड साइड ट्राइजिन ग्रुप के अंडर आने वाला हर्बिसाइड है मेज क्रॉप में ज्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है अगर हम एक हेक्टेयर में इसकी तीन के क्वांटिटी अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो है जीरो पॉइंट फोर हेक्टेयर में कितना इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर ट्रिकी एक तरह से है ट्रिकी क्वेश्चन राइट आंसर डेढ़ के जी यहाँ पर, पर, हाँ पर, तो पर क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा ओके तो ऑप्शन थर्ड हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पार्थेनियम कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग बायो एजेंट्स लाइक पार्थेनियम आप जानते हैं ठीक है कांग्रेस ग्रास के नाम से इसे जाना जाता है वीड को पार्थेनियम हिस्टीरो जो है बोटेनिकल नेम रहता है बात करें इसके एडेप्टेशन की तो वाइल्ड एक तरह से वीड है ये यानी कि ये वाइल्ड साइड पे किसी भी बेयर फेलो लैंड पे आपको मिल जाएगा ठीक है वाइल्डली क्या है ये फैला हुआ ये वीड है वहीं पर देखें हम इसके तो कंट्रोल कंट्रोल के लिए एक तो हम क्या करते हैं दूसरे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये किल हो जाता है बट हमने अगर बायो कंट्रोल एजेंट इसमें इस्तेमाल करना है तो कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है जो इजिली क्या कर देता है इसे खा करके खत्म बायो कंट्रोल एजेंट में हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं या तो हम वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे या दूसरा जो है हम वहां पर इंसेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो अगर इंसेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा इंसेक्ट जो है इसको खाएगा यानी इंसेक्ट किस तरह से फीड करके उसको क्या कर देते हैं प्लांट को खत्म कर देते हैं तो यहां पर पिक्चर में अगर आपको ठीक पह तो है पहचानते होंगे इंसेक्ट इस तरह का दिखाई देता है पार्थिनियम पर फीड करता, करता है तो उसकी लीफ हो गया स्टेम हो गया उसके फ्लावर्स हो गया तो सभी को क्या कर देता है ये कंप्लीटली ये खा करके खत्म कर देता है ओके दिके... क्लासेस की जो अदर इंफॉर्मेशन है ठीक है ये आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर लीजिए वहां से जो आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ओके ठीक है तो इसका जो राइट आंसर देखिए क्या रहेगा आपके पास ऑप्शन डी बता रहे हैं सारे यहां पर जी हाँ, देसी ब्लॉक कह रहे हैं ऑप्शन डी वहीं पर ओंकार यादव जी का भी ऑप्शन डी है जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है आपका जायगो ग्रामा बाइकलरेटा है ये कौन सा है जायगो ग्रामा बाइक इज द राइट आंसर ये क्या है एक तरह से बायो कंट्रोल एजेंट जो है इस इंसेक्ट को काम में लाया जाता है किसमें पार्थिनियम वीड को कंट्रोल करने के लिए ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड एज हर्बिसाइड कौन सा एक हार्मोन है बट उसको हर्बिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है चलिए जल्दी से आंसर करके बताइए कौन सा यहाँ पर एक हार्मोन है बट उसको क्या है एक तरह से वीडी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, 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 है? है। राजीव पंडित जी कह रहे हैं ऑप्शन डी एफसी के एसिड देखिए एफ सी सी एसिड जो है नहीं होगा इसका ओके तो हर बी साइड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर व्यम त्रिपाठी जी कह रहे हैं ऑप्शन सी चलिए और भी आंसर बताइए जी हाँ बिल्कुल जी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए और भी आंसर आंसर बताइए। राइट कौन सा है यहाँ पर टू फोर डी ठीक है ऑप्शन सी हमारे पास राइटर डी क्या है एक तरह का ये है क्या है ऑक्सिन है तरह का, का डेरिवेटिव है ये जब इसको क्या है लेस देन ट्वेंटी पीपीएम इसका इस्तेमाल किया जाता है तब क्या करता है एज अ ग्रोथ रेगुलेटर ये वर्क करता है okay? यानी कि ये ग्रोथ को क्या करेगा प्रमोट करेगा वहीं पर अगर देखें तो जब इसको मोर देन ए ट्वेंटी पीपीएम जब इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता है छिड़काव किया जाता है तो उस समय पर एज अ बी साइड और वीडी साइड जो है ये काम करता है ओके okay? तो जो राइट right आंसर हमारे पास रहेगा टू फोर्टी राइट आंसर रहेगा क्या है एक ऑक्सीजन है ये ठीक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है बट एज अ वीडी साइड जो है इसको इस्तेमाल में लाया जाता है ओके जी हाँ बिल्कुल राइट right आंसर है शुभम पाल जी का भी बिल्कुल राइट right आंसर है ऑप्शन सी ठीक है प्रभु प्रताप सिंह जी का भी बिल्कुल राइट right आंसर है ओमकार यादव जी त्रिपाठी जी सबके जो आपके है आपके बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है आपके पास डैश इज द इरिगेशन मेथड सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग लैंड्स एंड सैंडी सोइल कौन सा जो इरिगेशन मेथड है सिंचाई का कौन सा मेथड ऐसा है जो एक तरह से आपकी जो अनड्यूलेटेड लैंड्स होती है यानी ऊबड़ खाबड़ वाली जो क्या रहते हैं खेत रहते हैं

त्रिपाठी जी का ऑप्शन बी पर राइट आंसर है इरिगेशन सभी के हाँ। स्प्रिंकलर इरिगेशन कौन सा है स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ठीक है स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो है इस्तेमाल किया जाता है अंडुलेटिंग लैंड में और दूसरा अगर हम देखें तो कौन से आते हैं हमारे पास सैंडी रहती है ठीक है स्प्रिंकलर इरीगेशन का यहाँ पर इस्तेमाल करें देखिए ये माइक्रो इरीगेशन के अंडर आने वाला है ठीक है किसके अंदर आता है ये माइक्रो के अंडर जिसमें आप जानते हैं एक तो हमारे पास कौन सा रहता है ड्रिप इरीगेशन रहता है ओके और दूसरा हम देखें तो ये हमारे पास जो है स्प्रिंकलर इरीगेशन है ठीक है दोनों ही क्या है माइक्रो इरीगेशन है यानी कि पानी का क्या रहता है यहाँ पर बहुत ही कम इस्तेमाल होता है ज्यादा से ज्यादा जो है बचाव होता है ड्रिप ड्रिप इरिगेशन इरिगेशन की बात करें तो लगभग इसमें एक से तीन लीटर वाटर जो जो है 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 पर आवर जो है एमिट करता है ये सिस्टम देखिए कितना पानी यहाँ पर हमारे पास बच रहा है अगर आप देखिए बॉर्डर स्ट्रिप मेथड हो गया चेक बेसिन हो गया फरो मेथड से क्या कर देते हैं पूरी की पूरी फील्ड को एक बार में भर देते हैं जिसकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी है इनकी बहुत ही कम रहती है यानी कि जितना वाटर आप अप्लाई करते हैं उसका बहुत ही कम अमाउंट जो है पौधे को मिल पाता है बाकी या तो ड्रेन हो जाता है ठीक है बाहर चला जाता है फील्ड से या तो वेपराइज हो जाता है ठीक है 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 वाष्पोत्सर्जन हो हो जाता उसका या तो उसकी लीचिंग हो जाती बट यूज जो है बहुत कम अमाउंट है वही पर बात करें अगर ड्रिप इिगेशन की तो लगभग नाइनटी परसेंट तक वाटर इसमें इस्तेमाल होता है याद रखना देखिए नाइनटी परसेंट लगभग दस परसेंट वॉटर आपका दस परसेंट के आसपास का पानी सिर्फ यहाँ पर बर्बाद जाएगा या तो धूप में चला जाएगा या किसी तरह से ठीक है बट सिर्फ आपका 90% वाटर देखें यहां पर मैक्सिमम 90% परसेंट तक वाटर जो है जो आप करते हैं, वो क्रॉप कंज्यूम कर लेती है इसमें लगभग थाउजेंड लीटर वाटर पर आवर ठीक है थाउजेंड लीटर वाटर पर आवर यहाँ पर ये एमिट करता है ये सिस्टम जो यहां पर हमने जो क्वेश्चन हमारे पास था इसका ठीक है वहीं पर वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करें तो सिक्सटीस टू एक्ट के वेरी करती है ये परसेंट जो है इसकी भी वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन की रहती है यानी कि इसमें भी लगभग पंद्रह से बीस या लगभग तीस से चालीस तक ठीक है इतना ही पानी जो है लॉस होता है बाकी का सारा का सारा क्या हो जाता है वॉटर यूज पर रहती है उसकी ओके okay? तो इसलिए जो है हमें जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करना है इन इरिगेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना है जिससे एक तरह से सॉइल कंजर्वेशन भी होती है क्योंकि स्ट्रिप इरिगेशन हो गया चेक बेसिन फॉरो मेथड में हम इरिगेशन करते हैं तो एक तरह से सॉइल इरोजन या ड्रेनेज वहां पर देखी जा सकती है बट इन इरीगेशन से जो है वाटर कंजर्वेशन और साथ ही साथ जो है सॉइल कंजर्वेशन भी भीजिली हम कर सकते हैं जी हाँ सबके जो है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच फॉलोइंग टर्म रेफर टू कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म वार्मी सिल्क वॉर्म की रियरिंग को पालने को क्या कहा जाता है सिंपल क्वेश्चन है आपके पास राइट right आंसर क्या रहेगा इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए देखिए ऑप्शन है वेरी कल्चर है है लेटीकल्चर या पाइसी कल्चर जो ऑप्शन है जो कौन सा है यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारे पास देखिए सिंपल क्वेश्चन है कौन सा रहेगा जी हाँ गोलू पांडे जी कह रहे हैं ऑप्शन बी वी ओम त्रिपाठी जी का भी ऑप्शन बी है हाँ बिल्कुल सभी को जो है राइट आंसर ही आना चाहिए यहाँ पर क्योंकि सिंपल क्वेश्चन हमारे पास ये है सैरीकल्चर कहा जाता है क्या कहा कहा जाता जाता है से? है इसे कमर्शियल जब की जाती है सिल्क की क्या कहलाता है सैरीकल्चर जो है कहलाता है ओके बात करें सेरीकल्चर की तो जो है चाइना इसमें नंबर वन है सैरिकल्चर यानी सिल्क प्रोडक्शन में जो है चाइना जो है फर्स्ट नंबर पर है कंट्री की बात करें वहीं पर जो है इंडिया कितने पर है सेकेंड पोजिशन पे है ओके okay? याद रखना है और इंडिया में कौन सा सिल्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है मलबरी सिल्क जो है सबसे ज्यादा जो है इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है ओके okay? कौन सा है मलबरी सिल्क जो है इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है सबसे ज्यादा चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द फर्टिलाइजर दैट सप्लाइज टू और मोर देन टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कॉल देखिए ये भी बेसिक क्वेश्चन है आपके पास ठीक है तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन भी कई बार जो है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं इसलिए आपने हर एक क्वेश्चन को स्टडी करते चलना है ओके तो हर एक क्वेश्चन को जो है आपने यहां पर स्टडी करते हुए चलना है चलिए देखिए यहां पर जो है क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें या तो दो या दो से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रेंट जो है पाए जाते हैं ठीक है तो कौन से होते हैं वो स्ट्रेट फर्टिलाइजर कहलाते हैं ऑर्गेनिक ग्रीन मन्यूर कहलाते हैं या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहलाते हैं देखिए बात करें अगर हमारे पास कौन सा है यहां पर स्ट्रेट फर्टिलाइजर की बात करें

ठीक तो ग्रीन मैन्यूरिंग वो कहलाता है वहीं पर जो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर ठीक है राइट right आंसर क्या रहेगा इसका ऑप्शन है डी जी हाँ सभी के जो बिल्कुल राइट आंसर है शुभम पाल जी का राइट right आंसर है व्योम त्रिपाठी जी का राइट right आंसर है प्रबुल प्रताप सिंह जी का भी राइट right आंसर है जी हाँ सबके जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी इसका राइट right आंसर हो जाएगा क्या होगा कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यानी कि जिसमें टू और मोर देन टू क्या पाए जाते हैं प्राइमरी न्यूट्रेंट पाए जाते हैं ठीक है प्राइमरी न्यूट्रेंट कौन से हमारे पास एनपीके जो हो गया ठीक है तो वो क्या है जिसमें दो या दो से ज्यादा है? है? है, है दो कैटेगरी रहती है रखना है दो कैटेगरी रहती है एक तो हमारे पास कौन सा होता है कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर ओके एक होता है कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर दूसरा होता है हमारे पास इनकंप्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर ये आपने याद रखना है ठीक है जैसे कि यहाँ पर इसी से आपका यहाँ पर दो क्वेश्चन और बन गए जैसे कि जिसमें टू पाए जाएंगे यानी सिर्फ दो पाए जाएंगे प्राइमरी लिमिटर एनपी के में से कोई दो पाए जाएंगे एन या पी पाए जा रहे हैं मान लीजिए ठीक है ठीक है तो उसे क्या कहा जाएगा उसे कहा जाएगा जिसमें एन या पी ही पाए जा रहे हैं इनकम्प्लीट कहा जाएगा ठीक है जिसमें दो होंगे इनकम्प्लीट कहा जाएगा या जिसमें दो से ज्यादा यानी तीन पाए जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा कंप्लीट कहा जाएगा ठीक है क्या कहा जाएगा उसे कंप्लीट उसे कहा जाएगा ये आपने याद रखना ठीक है दो पाए जाएंगे प्राइमरी न्यूट्रिएंट तो इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हो गया अगर तीनों पाए जाएंगे तो कंप्लीट कंप्लेक्स फर्टिलाइजर जो है ये कहलाता है? Okay? तो इस तरह से दो में आपके ये भी divided है, रहते हैं। चलिए देखिए क्या आता है आपके पास डे इज अ रेनी डे व्हेन इट अ रेनफॉल ऑफ कितनी रेनफॉल रिसीव होनी चाहिए एक दिन में उस दिन को क्या कहा जाता है फिर रेनी डे कहा जाता है रेनी डे में कितनी बारिश जो है एक दिन में रिसीव होती है आपको बताना है तीन एम एम होती है दो एम एम होती है टू पॉइंट फाइव एम एम होती है देखिए तो mm आपके पास एक बेसिक क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या रहेगा राइट आंसर इसका रेनी डे में कितनी बारिश होती है किस डे को जो है रेनी डे कहा जाता है देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है इसका जी शुभम पाल जी कह रहे हैं ऑप्शन सी जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा इसका ओके ओमकार यादव जी का भी राइट आंसर है बिल्कुल सही है आपका 2.5 जी बिल्कुल सभी के जो है राजीव पंडित जी का भी बिल्कुल राइट राइट आंसर आंसर है है जी का भी ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके टू पॉइंट एमएम रेनफॉल जब एनुअली रिसीव होती है तो उसे क्या एनुअली सॉरी एक दिन में रिसीव होती है टू पॉइंट फाइव तो उसे क्या कहा जाता है रेनी डे कहा जाता है ओके चलिए नेक्स्ट देखे यहाँ पर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन फार्मार्ड मेन्यूर इन जनरल ठीक है जनरल देखा जाए तो जो है फार्मार्ड मेन्यूर यानी कि जो गोबर रहता है उसमें नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज पाया जाता है ये आपको बताना है ठीक है नाइट्रोजन परसेंटेज कितनी पाई जाती है जनरली जो एफ आई में रहता है देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास जीरो पॉइंट फाइव है जीरो पॉइंट सिक्स है जीरो पॉइंट एट है या जीरो पॉइंट सेवन है कितनी पाई जाती है ये आपको बताना है ये भी देखिए बेसिक क्वेश्चन पर आपके पास है ऑप्शन ए कह रहे हैं यहाँ पर, जी कह रहे हैं ऑप्शन ए शुभम पाल जी का भी ऑप्शन ए है गोलू पांडे जी भी ऑप्शन ए कह रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है 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 आपके कितना है? ठीक कितना पाया जाता बात करें इसके जनरल कंसेंट्रेशन की तो कितना पाया जाता है एनपी के कंटेंट की बात करें ओके तो यहाँ पर क्या है जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव जो है, है वो इन पर जीरो पॉइंट फाइव परसेंट जो है क्या पाया जाता है यहाँ पर पोटेशियम जो है इसमें पाया जाता है ठीक है तो ये क्या रहते हैं आपके कंसेंट्रेशन यहाँ पर रहती है कंटेंट जो है रहते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पर इसमें ठीक है जनरल में है वहीं पर जो है वेरी कर सकता है है कि कौन सा एनिमल है, ठीक है किस एनिमल का जो है वहां पर जो है, जो है है वेस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है गोबर किस एनिमल का इस्तेमाल किया जा रहा है गाय का है या किसी ब्लॉक का है ठीक है तो उस पर क्या कर जाता है या वो कौन सा फीडिंग मटेरियल से दिया जा रहा है ठीक है फोडर कौन सा वो कंज्यूम करता है तो उसके बेसिस पर जो है नाइट्रोजन कंटेंट क्या कर जाता है वेरी कर जाता है पर जनरल जो है यही रहता है आपका ओके <coughs> बाकी बात करते हैं और जो हमारे पास ऑर्गेनिक मेन्यूर है कित, कितना जो उसमें है उसमें इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए कोई भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसमें एक नजर डाल लेते हैं कौन से जो इंपॉर्टेंट हमारे पास मेन्यू रहते हैं देखिए मेन्यूर की बात करें तो दो कैटेगरी में जो है डिवाइडेड रहते हैं वो कौन कौन सी एक तो होती है हमारे पास बल्कि ऑर्गेनिक मेन्यूर ठीक है और दूसरे रहते हैं कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्यू बल्कि ऑर्गेनिक मेन्यू किस तरह के मेन्यूर रहते हैं मतलब की जिनमें ज्यादा अमाउंट उनका लगता है बट उसमें जो परसेंटेज होती है न्यूट्रेंट की वो कम पाई जाती है ओके okay, तो उसे क्या कहा जाता है बल्कि कहा जाता है ओके okay, वहीं पर देखिए कंसेंट्रेटर यानी कि इनके कम अमाउंट में ही ज्यादा न्यूट्रेंट इसमें प्रेजेंट रहते हैं ज्यादा न्यूट्रेंट का अमाउंट कंसेंट्रेशन जो है ज्यादा रहती है इसमें तब इन्हें कंसेंट्रेटर कहा जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एफ हमारे पास बल्कि है जानते हैं आप गोबर क्या है कितना एक तो थर से बल्कि रहता है ठीक है अमाउंट उसका ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है खेतों में उसको ठीक है टनों के हिसाब से देते हैं ठीक है बीस से पच्चीस टन तीस टन जो है एक खेत में जो है अप्लाई किया जाता है तो इतना ज्यादा अमाउंट जो है एफआईएम का अप्लाई किया जाता है वहीं पर अगर हम देखें तो दूसरे जो कंसल्ट्रेटिव रहते हैं जैसे कैस्ट्रो केक कोकोनट केक हो गया तो इनका क्या है कम अमाउंट में ही ज्यादा न्यूट्रिएंट क्या कर देते हैं ये रिलीज करते हैं देखिए कैटल डंग देखिए कैटल डंग में कितना है यहाँ पर जीरो पॉइंट फोर जीरो टू और जीरो पॉइंट वन सेवन एनपी के क्या रहती है परसेंटेज रहती है वहीं पर बात करें हम देखिए पोल्ट्री मेन्यूर की तो पोल्ट्री मेन्यूर में जीरो पॉइंट नाइट्रोजन हो गया फॉस्फोरस देखा जाए तो यहाँ पर जीरो पॉइंट सिक्स थ्री हो गया और पोटेशियम देखा जाए वन पॉइंट फोर जीरो हो गया फार्माइड मेन्यूर जैसे आप जानते हैं ठीक है जीरो पॉइंट फाइव जीरो जीरो पॉइंट टू फाइव या जीरो पॉइंट फाइव जीरो एनपी के कॉन्सेंट्रेशन जो है इसमें रहती है बात करें रूरल कंपोस्ट की तो देखिये जीरो पॉइंट सेवन फाइव इसमें नाइट्रोजन कंटेंट रहता है अर्बन कंपोस्ट की बात करें वन परसेंट जो है फॉस्फोरस और डेढ़ परसेंट के आसपास क्या रहता है इसमें पोटेशियम रहता है वर्मी कंपोस्ट देखिए ठीक है केंचुआ खाद जिसे कहा जाता है ठीक है केंचुआ खाद में कितना तीन परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है एक परसेंट जो है इसमें फॉस्फोरस और डेढ़ के आसपास क्या है इसमें पोटेशियम पाया जाता है तो यह हमारे पास जो मेनली यूज किए जाने वाले जो बल्कि है जो कॉमनली इस्तेमाल में लाए जाते हैं ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आप जो की बात करें तो कैस्टर केक में थ्री सेवन अब देखिए यहाँ पर आप अमाउंट देखिए इसका ठीक है यहाँ पर जो है हंड्रेड के पर हंड्रेड के जो है इसको जो है कैलकुलेट किया जाता है ठीक है इसमें हंड्रेड के में ये अमाउंट पाया जा रहा है देखिए और बाकी यहाँ पर आप देखिए हंड्रेड के में इससे जो है मैक्सिमम अमाउंट ही पाया जा रहा है ओके तो इस तरह से क्या रहते हैं आपके ये ये होते हैं और ये बल्की हैं। हो गया, आपका हो गया और कहलाते परसेंट जो है पोटेशियम तो पाया जाता है नीम केक की बात करें ठीक है तो नीम केक में जो है 5.22 परसेंट नाइट्रोजन वन जो है एट परसेंट जो है पोटेशियम ब्लड मिल की बात करें तो 12 परसेंट नाइट्रोजन 2 परसेंट फॉस्फोरस और 1 परसेंट जो है इसमें पोटेशियम पाया जाता है तो वहीं पर देखें हम ग्राउंड नट केक देखिये सात दशमलव तीन जीरो परसेंट क्या पाया जाता है यहाँ पर नाइट्रोजन डेढ़ परसेंट जो है फॉस्फोरस और एक दशमलव तीन जीरो परसेंट जो है पोटेशियम पाया जाता है तो प्रेस प्रेसमड देखिए प्रेस प्रेसमड में है तो कितना टू पॉइंट वन जीरो परसेंट जो है नाइट्रोजन पाई जाती है 4.40 परसेंट जो है यहाँ पर फॉस्फोरस और 0.80 परसेंट जो है आपके पोटेशियम यहाँ पर पाया जाता है ठीक है तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट जो बल्कि और कंसेंट्रेटिव मेन्यूर है इनका भी आपको पता होना चाहिए ओके चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एट पुणे वाज एस्टैब्लिश इन ठीक है डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी पुणे कब जो है एस्टेब्लिश किया गया था इसे देखिए राइट आंसर की बात करें तो 1932 हमारे इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास जो आईएमडी पुणे है, है? है एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर और मेट्रोलॉजी के लिए अलग से क्या किया गया वहां पर ब्रांच एस्टेब्लिश की गई ठीक है चलिए कोई बात नहीं ठीक है जो आई जो था ठीक है जो पुणे में आई है ठीक है इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वहां पर पहले जो है सिर्फ वो मौसम से रिलेटेड यानी कि एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी उसमें नहीं था कंप्लीट वो क्या करते थे मौसम की वहां पर वो स्टडी क्या करते थे बट उसमें जो है बाद में 1932 में देखा जाए तो 1932 में उसमें एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल एक डिपार्टमेंट रखा गया ठीक है जो सिर्फ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी के लिए वर्क करेगा ठीक है डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के नाम से वहां पर डिवीजन लगाएगा ओके okay? तो वो कब यहाँ पर क्या है उसे जो है 1932 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था ठीक है बात करें अगर जो आई की जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कौन सा है जो हेडक्वार्टर कहां पर है न्यू दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है उसे जो है 15 जनवरी 1878 को एस्टेब्लिश किया गया था ये भी याद रखना आपने ठीक है 15 जनवरी 1878 को जो है एस्टेब्लिश किया गया था जो आपका कहां पर है न्यू डेली में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्या है हेडक्वार्टर है ओके चलिए जी हाँ ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है इसका ठीक है जिसका भी ऑप्शन है शुभम पाल जी हैं वहीं तो पर राजीव पंडित जी हैं बिल्कुल राइट आंसर है 1932 में जो है इसे इस एस्टेब्लिश किया गया था चलिए नेक्स्ट देखिए द बुक फंजाई एंड प्लांट ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम हर एक एग्जाम में पैथोलॉजी का ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है ठीक है मैक्सिमम देखा जाए तो ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है फंजाई एंड प्लांट डिजीजे नामक जो बुक है ये किसने लिखी है डॉक्टर केसी मेहता ने लिखी है डॉक्टर बीबी मुंडूकर ने लिखी है डॉक्टर ईजे बटलर ने या जे एफ दस्तूर ने किसने लिखी है जल्दी से कमेंट करके बताइए ठीक है चलिए राइट राइट आंसर आंसर देखिए क्या रहेगा इसका की बात करें तो किसने लिखी है ये बीबी मुंडूकर ने डॉक्टर बीबी मुंडूकर द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है फिंजाई एंड प्लांट डिजीज ठीक है किसने लिखी है डॉक्टर बीबी मुंडूकर द्वारा जो है लिखी गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इसको जो है आपने सही से याद रख लेना है ओके मैक्सिमम जो है अक्सर ही ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ओके बीबी -बी द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है द शुगर द ब्लड शुगर ऑफ एन इंसेक्ट ठीक तो है जैसे आप जानते हैं शुगर पाई जाती है इंसेक्ट के ब्लड में कौन सी शुगर वो है वो आपको बताना है कौन सी शुगर पाई जाती है जैसे ग्लूकोज है मैनिटोल है टहलोज है या मैनोज है कौन सी जो शुगर है इंसेक्ट ब्लड में पाई जाती है ऑप्शन डी यहां पर कह रहे हैं एसके वी आई पी दीजिए भाई जल्दी से क्या रहेगा राइट आंसर कौन सी शुगर जो है इंसेक्ट ब्लड में पाई जाती है तो राइट right आंसर क्या रहेगा इसका चलिए राइट आंसर की बात करते हैं ट्रेहलोज पाई जाती है कौन सी है ट्रेहलोज शुगर है ये पाई जाती है इंसेक्ट ब्लड में ये आपने याद रखना है ओके चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो ऑफ रेप सीड रेड रेड्राम हाइब्रिड मेज सोरघम एंड जूट देखिए कितने क्रॉप आपके पास दी गई है यहाँ पर लगभग चार से पांच क्रॉप आपके पास यहाँ पर दी गई है देखिए कौन कौन सी है रेप सीड है रेड ग्राम हो गया हाइब्रिड मेज हो गया वहीं पर जो है कौन सा है आपके पास सोरघम है और जूट है इन सभी का जो है एक ही सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो है यहां पर कितना है एक ही जो है सीड मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर रेशियो है इनका कितना है वो आपको बताना है ड्रेड है, है, है या वी ठीक है सभी का एक जैसा यहाँ पर सीड मल्टीप्लीकेशन रेशो है सीड मल्टीप्लीकेशन रेशो की बात करें तो क्या कहलाता है सीड मल्टीप्लीकेशन कि एक सीड को बोने पर एक सीड को सोइंग करने पर जो उससे प्लांट हो उस प्लांट में कितने सीड लगेंगे ठीक है यानी कि उसे क्या कहा जाता है सीड मल्टीप्लीकेशन यानी एक सीड कितने सीड को प्रोड्यूस करता है ओके तो वो क्या कहलाता है सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो कहलाता है वो आपको बताना है कितना है इन क्रॉप का यहां पर सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो ऑप्शन सी कह रहे हैं यहां पर ऑप्शन बी भी यहां पर आंसर आ रहा है ठीक तो है राजीव पंडित जी का ऑप्शन सी है देखिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा इसका ओके कौन सा है वन इज टू हंड्रेड ठीक है कितना रहेगा इसका वन इज टू हंड्रेड ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा ये आपने ध्यान रखना है ओके तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा जो सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो रहता है जो है, हो गया, हो गया, maize, और जूट का क्या रहता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपके पास द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मूगा सिल्क इन वर्ल्ड इज ये आपको बताना है ठीक है यानी कि वर्ल्ड में मोगा सिल्क का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है ठीक है बात करें सिल्क की तो अलग अलग क्या है कैटेगरीज पाई जाती है ठीक है सिल्क वॉर्म क्या अकॉर्डिंग क्या है सिल्क प्रोड्यूस यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी का होता है जैसे मुगा सिल्क की बात करें तो इसमें कौन सा है एंथीरेसिया असामेनेंसिस कौन सी है एंथीरेसिया असामेनेंसिस नाम का क्या है यहाँ पर ठीक है एंथीरेसिया असामेनेंसिस नाम का जो है सिल्क वॉर में इस्तेमाल में लाया जाता है क्या प्रोड्यूस किया जाता है जिससे मुगा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है कहां पर जो है ये इसका सबसे ज्यादा बात करें तो इंडिया में जो है असम जो स्टेट है वहां पर जो है सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन है किया जाता है ठीक है और जो लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो वर्ल्ड में भी जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है आपका अभिराज वर्मा जी इंडिया जो है इसका राइट right आंसर है ओके okay, कौन सा है इंडिया यानी ऑप्शन बी ठीक है गोधु पांडे जी का ऑप्शन बी है जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर आ रहा है राइट right आंसर है इंडिया जो है मोगा सिल्क में क्या है फर्स्ट पोजिशन पर है ठीक है याद रखना है सिल्क ओवरऑल सिल्क प्रोडक्शन है तो चाइना फर्स्ट में है इंडिया क्या है सेकंड पोजीशन पर है बट देखा जाए अगर मुगा सिल्क का ठीक है पर्टिकुलर जो मुगा सिल्क है ठीक है जो एंथरेसिया एसाम से जो प्रोड्यूस की जाती है तो वो जो है इंडिया उसमें सबसे फर्स्ट में है और जो स्टेट है कौन सा आसाम ठीक है आसाम स्टेट में ये सबसे ज्यादा क्या है प्रोड्यूसर किया जाता है ये जो सिल्क वॉर्म है ये फीड किस पे करता है दो ट्रीज होते हैं सोम और सोआलू नामक ट्रीज रहते हैं ओके okay. कौन से सोम और सयालू नामक जो ट्रीज हैं दो ट्रीज इन पर जो है ये फीड करता है ओके okay. वहीं पर देखा जाए तो इसके अगर कुछ बात करें इसके फीचर की तो किस तरह का रहता है बहुत ही महंगा जो है ये क्या रहता है ये सिल्क रहता है, सिल्क है. इसमें क्या है एक तरह से नेचुरल गोल्डन ग्लॉस इसमें पाया जाता है ठीक है क्या पाया जाता है इसमें गोल्डन ग्लॉस मतलब एक तरह से सुनहरापन पन और चमकीला सुनहरापन जो है इसमें पाया जाता है इसलिए जो है एक तरह से इसे किफायती जो है इसे सिल्क को माना जाता है ओके सेकंड अगर देखें हम एक तो आता है हमारे पास कौन सा ये मुगा सिल्क है मुगा सिल्क हो गया दूसरा आपने सुना होगा कौन सा है हमारे पास एरी सिल्क का भी नाम आपने सुना होगा एरी सिल्क जो रहता है ठीक है है तो सेमिया उसे कहा जाता क्या कहा जाता है उसे जो सिल्क वार्म रहता है कौन सा एरी सिल्क वाला जो सिल्क वार्म रहता है ओके तो वो कौन सा होता है सेमिनी रिश्स ठीक है रिसिनी उसे कहा जाता है ठीक है तो सेमिया रिसिनी जो है उसे कहा जाता है वहीं पर अगर हम बात करें सेमिया रिसिनी कहा जाता है ठीक है? बात करें इसके फीडिंग की, तो फीड किस पे करता है ये रिसिनी यानी कि रिसिनस रिसिनिस्ट जैसे कि कैस्टर कहा जाता है कैस्टर प्लांट पे जो है ये फीड करता है ओके वहीं पर देखा जाए जो इसका सिल्क रहता है ना एक तरह से जो इसका कोकून निकालना जाता है तो वो कोकून कैसा है एक ही लंबा थ्रेड उसमें यानि कि एक जगह से अगर आप उस थ्रेड को क्या करते हैं खींचते हैं तो बहुत ही लंबा जो है वो लेंथ में बहुत ही लॉन्गर सिल्क जो है इससे फाइबर जो है है निकाला जा सकता है। और एक हमारे पास आता है कौन सा मलबरी सिल्क ठीक है कौन सा है मलबरी सिल्क है जानते हैं हम जो मोहरस अल्बा पे जो फीड करता है ठीक है शैतूत पे ऊपर जो है फीड करता है तो मलबरी सिल्क हो गया ठीक है जिसमें कि जो बोटेनिकल नेम की बात करें ठीक है तो मोरस अल्बा क्या है मलबरी का बोटेनिकल हो वहीं पर इसके जूलॉजिकल नेम की बात करें जो सिल्क वॉर्म वहां पर लगता है तो कौन सा रहता है बॉम्बिक्स मोरी नामक सिल्क वॉर्म वहां पर लगता है जी, हम बिल्कुल राइट आंसर है सभी का राइट आंसर है पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर इसका हो जाए चलिए नेक्स्ट देखिये यहाँ पर द हाई यील्ड सीड सोनालिका एंड कल्याण सोना बिलोंग्स टू विच क्रॉप देखिए यहाँ पर आपके पास दो वेरायटीज दी गई हैं सोनालिका और कल्याण सोन देखिये बहुत ही फेमस वेराइटीज है बहुत ही कॉमन वेराइटीज हैं ये किसकी हैं ये बार्ले राइस व्हीट या मेज किस चीज की वैरायटी है कौन सी क्रॉप की वैरायटी है बात करें इन्हें तो इन्हें क्या कहा जाता है चलिए पहले आंसर बता दीजिए फिर बताते हैं क्या कहा जाता है ठीक है बहुत ही सिंपल नॉर्मल वैरायटी है सभी का जो है राइट ही आंसर यहाँ पर आएगा जी हाँ बिल्कुल सभी का राइट आंसर है कौन सी है 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 पर की जो है ये है, का और कल्याण मैक्सिकन के नाम से इन्हें जाना जाता है क्या कहा जाता है मैक्सिकन व्हीट कहा जाता है इन्हें ओके okay? मैक्सिकन के नाम से जाना जाता है जो सीमिट है ठीक है जो क्या है एक सेंट्रल इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है इंप्रूवमेंट फॉर मेज एंड की इंप्रूवमेंट के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ठीक से, से है तो वहां से जो है इन वेरायटीज को इंडिया में लाया गया था एक तरह से इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी है ये ठीक है वहां से इन्हें लाया गया था सेमी सेमीडवार उन्नीस है तिरसठ में जो है ये भारत में लाई गई थी कब लाई गई थी ये भी आपने याद रखना है ठीक है भारत की व्हीट बेल्ट में जो है इन्हें उन्नीस में जो है लाया गया था ओके कब लाया गया था उन्नीस में ठीक है 1963 के बाद जो है यानी कि कौन सा टाइम था ये ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम था तो इस समय पर जो है इनको एज अ हाई यील्डिंग वैरायटी जो इस्तेमाल किया जाने लगा था

बाहर से इनको मेक्सिको से जो है इंडिया को लाया गया था और थोड़ी मोडिफिकेशन करके जो है इंडिया की व्हीट बल्ट में नाइन में जो है इनको रिलीज किया गया था और ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो है इन वेरायटीज को भी बहुत ज्यादा उगाया गया था यह सभी का जो है बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ओके रस्ट रेजिस्टेंट जो है ये है या आपने याद रखना है ठीक है दोनों किस तरह की है रस्ट से रेजिस्टेंस वेराइटी है वहीं पर जो है इनकी लेट सोइंग की जा सकती है ओके ये भी तो इसके क्या रहते हैं फीचर रहते हैं हाई यील्डिंग ये है 110 दिन में तैयार होती है 30 से 35 क्विंटल जो है सेमीड्वार्क वेराइटीज है, semi -dwarf varieties है साथ ही साथ रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज है और लेट सोइंग में भी जो है इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है ओके चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स कवर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस ठीक है जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या रिलीज करती है क्रॉप्स के लिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज रिलीज करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिसाइड करता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है सी ए सी पी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर सी ए सी पी यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ठीक है कौन सी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जिसका जो स्थापना हुई थी स्टार्टिंग में कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस सौ पैंसठ में ये या आपने याद रखना है कब हुई थी उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय पर जो है इसका नाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिस नहीं था ठीक है उस समय पर जो है इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन याद रखना आपने ठीक है क्या था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है उस समय पर जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम था ओके okay? उन्नीस में जो है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के नाम से जो इसे एस्टेब्लिश किया गया था और बाद में जो इसका नाम बदलकर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिस जो है कब रखा गया 1985 में रखा गया क्या तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो है आपको याद रखनी रहती है ओके तो इस तरह से जो है इसकी स्थापना की गई थी जी हाँ यहाँ पर आंसर आ रहा है 22 क्रॉप एंड वन शुगर केन अंडर एफ आर एस की एफ आता है ओके तो कितनी क्रॉप्स है यहाँ पर देखिए अपडेटेड डेटा अगर आप देखेंगे तो 24 क्रॉप्स आती है हमारे पास ओके okay. लिस्ट आपको बता दी जाएगी अभी तो अपडेटेड देखें हम तो 24 क्रॉप्स हमारे एमएसपी के अंडर आती है ऑप्शन सी जिसका है राजीव पंडित जी राइट आंसर है आपका ठीक है जी, जी आपका भी राइट आंसर है पंकज कुमार गौतम जी ठीक है ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा इसका ठीक है जी शिवम सिंह जी कह रहे हैं बाइस क्रॉप देखिये लेटेस्ट में देखिये हम तो डेटा तो है हमारे पास अपडेटेड डेटा में देखिए तो चौबीस क्रॉप आती है एमएसपी के अंडर ओके okay? तो देखिये कौन कौन सी यहाँ पर हमारे पास है चौबीस क्रॉप आती है ओके okay, देखिए पर सीरियल्स उसमें सात है हमारे यहाँ पास पास देखिए पर लिस्ट आपके दी गई एक ठीक है थे? इस लिस्ट में देखिए कौन कौन सी है सात तो हमारे पास सीरियल है जिसमें कौन कौन पेड़ी है भीट है, है बारले हो गया जवार है बाजरा है मेज और रागी ठीक है ये हमारे पास क्या है सात सीरियल हो गए पल्सिस की बात करें तो पल्सिस हमारे पास पांच है उरद है लेंटिल ग्राम अरहर तुर और मूंग ठीक है तो ये हमारे पास पांच क्या है पल्स क्रॉप यहाँ पर आती है एमएसपी के ऑयल सीड की बात करें तो आठ हमारे पास ऑयल सीड आते हैं आठ ऑयल सीड कौन कौन से है? रेप मस्टर्ड हो गया एक है सोयाबीन हो गया सनफ्लावर सीड है सिसेमम है ग्राउंड नट है नवर हो गया ठीक है और साथ ही साथ नाइगर सीड ये हमारे पास ऑयल सीड आते हैं आठ इसके अलावा जो और बात करें हम रॉ कॉटन हो गया ये भी एमएसपी के अंदर है रॉ जूट जो है उसको भी एमएसपी के अंडर रखा गया है कोपरा है यानी कि जो ड्राइड कोकोनट है ठीक है ड्राइड कोकोनट के लिए अलग एमएसपी दिया जाता है वहीं पर जो डी हर्ग कोकोनट है उसके लिए अलग एमएसपी है ओके तो इस तरह से चौबीस हमारे पास एमएसपी के अंडर क्रॉप कवर कर होती है बात करें शुगर केन की तो शुगर केन को रखा जाता है एफ में कौन सा एफ यानी कि फेयर एंड रिमिनेटिव प्राइजेस जिसे कहा जाता है यानी कि ये तो कौन डिसाइड करता है जो एमएसपी है ये तो सी डिसाइड करेगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये डिसाइड करती है वहीं पर अगर हम देखें तो जो एफ डिसाइड करते हैं ये जो है प्रोडक्शन के बेसिस पे की जाती है

तो उसे एफ आर पी कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसर्न करके जो है इस प्राइस को डिसाइड करती है और ये हर ईयर क्या होता रहता है चेंज होता रहता है कंडीशन के अकॉर्डिंग ठीक है कंडीशन कौन कौन सी मेन तो प्रोडक्शन की ही रहती है कि प्रोडक्शन कितनी हुई है कितना अमाउंट जो है प्रोड्यूस हुआ है ठीक है उसके बेसिस पर फिर प्राइस सेट कर लिया जाता है या इंडस्ट्री में कितनी जरूरत है तो उस तरह से इंडस्ट्री के साथ कंसल्ट किया जाता है तो उस तरह से फिर शुगर मिल हो गया शुगर मिल में कितनी जरूरत है ठीक है कोई जूस इंडस्ट्री है उसमें कितनी जरूरत है तो इस तरह से क्या किया जाता है एफ को जो है डिसाइड किया जाता है ओके चलिए नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास पूसा हाइब्रिड फोर इज अड वेराइटी ऑफ जो एच फोर है ठीक है पूसा एच फोर जो है किसकी वेरायटी है यहाँ पर है पोटैटो की है टोमेटो की है बनाना की है या पपाया की है किस चीज की ये वेराइटी है ये आपको बताना है देखिए वेजिटेबल की वेराइटी है कौन सी वेजिटेबल की वेराइटी है आपको बताना है चलिए देखिए किसकी है टोमेटो की एक फेमस वेराइटी है पूसा फोर ठीक है हाई हाईडिंग वेराइटी है ये ओके और जो है जो टोमेटो का साइज भी क्या है इसमें स्टैंडर्ड साइज के टोमेटो जो है इसमें तैयार होते हैं ऑप्शन है टोमेटो जो है राइट आंसर आएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू सेट अप अ स्पेशल एग्रीकल्चर जोन ठीक है कौन से इंडियन स्टेट में सबसे पहले जो है स्पेशल एग्रीकल्चर जोन को जो है सेटअप किया गया था ये आपको बताना है देखिए तमिलनाडु है पंजाब है उत्तराखंड या गुजरात ठीक है स्पेशल एग्रीकल्चर जोन किस तरह के है कि कोई पर्टिकुलर कोई वहां पर क्या पाई जाती है कोई एग्रीकल्चर क्रॉप पर्टिकुलरली उसी एरिया में जो है ग्रो की जाती है वो एक तरह से मतलब उस क्रॉप के लिए क्या है वो स्पेसिफिक जोन माना जाता है जिस तरह से अब अगर देखा जाए तो क्या दिया जाता है जी टैग दिया जाता है क्या दिया जाता है जी टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है प्रोवाइड किया जाता है अगर कोई पर्टिकुलर लोकेशन में कोई पर्टिकुलर एक तरह से स्पेशल कॉमोडिटी या क्रॉप कोई तैयार होती है तो उसे जीआई टैग दिया जाता है वहीं पर जो एक तरह से स्पेशल एग्रीकल्चर जोन भी बनाए जाते हैं जो एक तरह से पर्टिकुलर जो एरिया है किसी एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए क्या है स्पेसिफिक रहता है ठीक है जो है सबसे पहले बात करें तो ऑप्शन है सी हमारे पास राइट right आंसर रहेगा उत्तराखंड में जो है सबसे पहले स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जो है एस्टेब्लिश किया गया था ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ टोटल रूट पैरासाइट टोटल रूट पैरासाइट का यहां पर कौन सा आपके पास एग्जांपल है कसकटा, लोरेंथस या साइप्रस। कौन सा यहां पर आपके पास है टोटल रूट ठीक है ये क्या है हमारे पास फनेरोगेमस फोनैरोमस पैरासाइट है, है. है? है? है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लांट है कसकटा प्लांट है देखिए ये क्या है आपके पास टोटल स्टेम पैरासाइट कहा जाता है इसे पूछिए कसकटा को ठीक है जो कसकटा है कैसी है टोटल स्टेम पैरासाइट है वहीं पर हम सेकंड देखें तो ये कौन सा है हमारे पास कौन सा प्लांट है, है? लोरेंथस लोरेंथस क्या कहा जाता है है इसे ये कैसा है पार्शियल स्टेम पैरासाइट है है ओके कैसा पार्शियल स्टेम पैरासाइट है लोरेंथस वहीं पर देखा जाए तो ये कौन सा है हमारे पास ओरबैंकी कौन सा है ये ये है हमारे पास ओरोबैंकी तो ये किस तरह का है यहां पर आपके पास है? ये है टोटल किस तरह का है ये रूट पैरासाइट है वहीं पर देखें तो जो हमारे पास लास्ट में कौन सा दिया गया है ये फ्लावरिंग क्रॉप देखिए आप बिल्कुल तो पिंक कलर के फ्लावर जो इसमें लगते हैं कौन सा ये? का है ये स्ट्राइगा है ठीक है तो ये कैसा है आपके पास पार्शियल रूट पैरासाइट ठीक है यहाँ पर आप पहचान सकते हैं इनको ठीक है कस्कटा लोरेंथस ओरो बैंकी और स्ट्राइक आपके पास है ठीक है तो आंसर मैंने यहीं पर बता दिया ठीक है तो कौन सा है ओरोबेंकी राइट आंसर हो जाएगा इसका जो कौन सा है आपके पास है टोटल रूट पैरासाइट आपसे पूछा गया तो ऑप्शन ए जिसका भी ऑप्शन ए है सोलंकी जीत जी का ऑप्शन ए है शिवन सिंह जी का ऑप्शन ए है अभिराज जी वर्मा जी कह रहे हैं ओरोबेंकी जी जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका तो गोलू पांडे जी का भी ऑप्शन ए है यहाँ राइट आंसर है ओरो बैंकी जो है क्या है टोटल रूट पैरासाइट याद रखना है आपने ठीक है कौन सा है ये टोटल रूट पैरासाइट इसको आपने जो है क्लॉज से याद रखना है सी एल ओ एस ठीक है सी से क्या हो गया आपका कस्कटा हो गया एल से लोरेंथस हो गया ओ से हो हो गया S हो गया एस से स्ट्राइगा वहीं पर कसकाटा क्या है आपके पास टोटल स्टेम पैरासाइट हो गया लोरेंथस क्या है पार्शियल स्टेम पैरासाइट है वहीं पर ओरो क्या है टोटल रूट पैरासाइट है वहीं पर जो है स्ट्राइगा क्या है पार्शियल रूट पैरासाइट है ठीक है यानी कि टोटल पार्शियल टोटल पार्शियल ठीक है इस तरह से आज आपने इसको एक तरह से याद रख लेना है क्लोज से ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इज़ अ सिंथेटिक ऑक्सीजन से कौन सा सिंथेटिक ऑक्सीजन है कैम आईबीए आईएए या एनएए देखिए तीन तो आपके पास ऑक्सीजन है ये क्या है आपके पास है, प्लांट टाइप है कौन सा क्रेसुलेसन एसिड है एक तरह से प्लांट में क्या चलता है ये साइकिल चलता है कैम साइकिल कैम पाथवे ठीक है तो आपके पास यहाँ पर है, IA है और एन ए है इनमें से जो है दो तो क्या है आपके पास नेचुरल ऑक्सीजन है बट एक कौन सा है सिंथेटिक ऑक्सीजन है जिसे सिंथेटिकली तैयार किया जाता है कौन सा वो ऑक्सीजन है जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या रहेगा इसका सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कौन सा है चलिए देखिए एन ए ए जो है यहाँ पर सिंथेटिक ऑक्सीजन रहता है हमारे पास कौन सा है एनए जो है एक तरह से सिंथेटिक ऑक्सीजन है आई ए ए और आई बी क्या है नेचुरल ऑक्सीजन रहते हैं ओके okay, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी जिसका भी यहाँ पर है शुभम गौतम जी का राइट right आंसर है चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके पास आता है आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज बाय माइकोप्लाज्मा ठीक है कौन सी डिजीज जो है माइकोप्लाज्मा द्वारा कॉज की जाती है होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के जो है उसके कुछ सिम्टम हैं ठीक है अगर आप पहचानते होंगे प्रैक्टिकली अगर आपको डिजीज का पता है ठीक है होना चाहिए ठीक है सभी को जो है प्रैक्टिकली पता होना चाहिए ठीक है किताबों में तो कोई भी देख लेगा ठीक है कोई भी पढ़ लेगा एग्रीकल्चर वाले तो पढ़ी लेंगे किसी और को भी आप एग्रीकल्चर की किताब थमा देंगे तो उसको भी पता होगा कि जो जमा से कौन सी डिजीज होती है क्योंकि पढ़ करके कोई भी पता बट प्रैक्टिकली जो है एग्रीकल्चर वाले होकर जो है आपको तो क्या प्रैक्टिकल नॉलेज जो है है हर एक चीज की रहनी चाहिए ठीक प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर मेन काम रखता है आपका ओके okay? तो कौन सा होगा राइट आंसर यहाँ पर है? जी हाँ बिल्कुल सही है अनंत स्वरूप जी का भी ऑप्शन ए आ रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है अभिराज वर्मा जी कह रहे हैं लिटल लिव बिल्कुल सही है. कौन सा है आपके पास ऑप्शन ए राइट आंसर लिटल लिव ऑफ ब्रिंजल जो है क्या है राइट आंसर आपका रहता है इसका ठीक है माइक्रोप्लाज्मा द्वारा जो है कॉज होती है ठीक है अब जो इन्हें क्या कहा जाता है कहा जाता है पहले कॉज है, है। okay, है, करते हैं चलिए नेक्स्ट देखिए डिजीज आपके पास सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप विच द फॉलोइंग प्री एमरज हर्बिसाइड इज रिकमेंडेड फॉर मेज कौन सा जो है प्री एमरजेंस हर्बिसाइड है मेज के लिए रिकमेंड किया जाता है मेज में इस्तेमाल किया जाता है एट्राजिन है पेराक्वाट है पैराक्वाट है या ग्लाइफोसिड है कौन सा जो है प्री एमरजेंस हर्बिसाइड यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाता है आपको देखिए बाकी तो जितने भी आपके पास क्या है पोस्ट एमरजेंस है ठीक तो है ग्लाइफोसेट देखा जाए तो कंप्लीट किलर है पैराक्वाट और टू फोर्डी देखा जाए तो पोस्ट एमरजेंस है तो जो राइट right आंसर है कौन सा हो जाएगा एट्राजिन ठीक है एट्राजिन और सिमाजिन जो है इस्तेमाल किए जाते हैं मेज में एज ए प्री एमरजेंस हर्बिस का यहां पर क्या एग्जाम्पल आपके पास है इंडियन रेलवे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है रिटेल ट्रेड है या टी बोर्ड है देखिए मोनोप्सोनी की अगर बात करें क्या है जैसे कि आपके पास एक होता है आपके पास मोनोपोली क्या रहता है मार्केटिंग का क्वेश्चन आपके पास यह है मोनोपोली कंडीशन रहती है मार्केट की अगर आप जानते होंगे क्या रहता है इसमें कि यानी पर जो नंबर ऑफ रहते हैं ठीक है मोनोपोली मतलब कि नंबर ऑफ सेलर यानी कि बेचने वाले तो क्या है यहाँ पर एक ही रहेगा बट खरीदने वाले यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं तो जो प्राइस कंट्रोल रहता है वो किसके हाथ में रहता है जो बेचता है ठीक है यानी कि जो बेचने वाला है मार्केट में जो बेचने वाला रहता है उसके पास क्या रहता है सेलर के पास यहाँ पर प्राइस कंट्रोल रहता है मोनोपोली यानी कि अब जरूरत भी उस चीज की है खरीदने वाले बहुत है पर बेचने वाला सिर्फ वही एक है वो क्या कहलाता है मोनोपोली और उसकी उल्टी जो कंडीशन है यानी कि यहाँ पर जो है खरीदने वाला एक ही रहता है बेचने वाले बहुत से होते हैं जो प्राइस कंट्रोल रहता है कस्टमर के हाथ में रहता है खरीदने वाले के हाथ में रहता है प्राइस कंट्रोल तो जो राइट आंसर है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आ रहा है शुभम गौतम जी बिल्कुल राइट आंसर है भैया आपका

कहां पर लोकेटेड है थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कहां पर जो है ये लोकेटेड है ये इंस्टीट्यूट टी बोर्ड आनंद कुमार जी कह रहे थे ऑप्शन ऑप्शन डी डी बिल्कुल राइट राइट आंसर आंसर था आप जी? था आपका यानी कि टी बोर्ड उसका जी नवीन कुमार शर्मा जी का ऑप्शन डी ठीक है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप जो कॉटन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च जो है कहां पर लोकेटेड है, है हैदराबाद में है नागपुर में है हरियाणा में है या पंजाब में कहां पर लोकेटेड है ये तो राइट आंसर इसका रहेगा कहां पर है महाराष्ट्र महाराष्ट्र नागपुर में जो है ये लोकेटेड है ठीक है कौन सा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ओके चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रूड क्रैकिंग इज ड्यू टू दी ऑफ जैसे फ्रूड क्रैकिंग क्या है फ्रूट्स में एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ठीक है कॉज की बात करें तो किन किन कॉज कौन, कौन कौन से हो सकते हैं इसके एक तो इसमें क्या हो सकता है डेफिशिएंसी हो सकती है न्यूट्रिएंट की चलिए वो तो आप बता दीजिए कौन सा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है ठीक है तो आप बताइए इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो ड्राई स्पेल होते हैं ठीक है यानी कि ड्राई स्पेल हो गई यानी कि कभी बारिश हो गई या कभी क्या हो गया एकदम से धूप लग गई ठीक है तो उस तरह का जो चेंज आते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो क्या होते हैं एक्सट्रीम चेंजेस जो आते हैं एनवायरमेंट में उसकी वजह से हो सकता है या एक्सेस रेनफॉल की वजह से हो सकता है एक्सेस रेनफॉल से कई बार क्या हो जाता है एक्सेस वाटर कंज्यूम कर लेता है अपना ठीक है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है फ्रूट क्रैकिंग देख जाता है देखिए पोम ग्रेनर देखिए इस तरह से जो है फ्रूट क्रैकिंग दिखती है इसमें एप्पल है एप्पल में देखिए फ्रूट क्रैकिंग दिखाई देती है टोमेटो है टोमेटो में आपने देखा होगा इस तरह से जो है अपर पोर्शन जो रहता है ठीक है निचले पोर्शन में देखिए तो ब्लॉसम एंड रोड जो है देखा जाता है किसमें टोमेटो है अपर पोर्शन में जहां से क्या है पिड़ंकल लगा रहता है ठीक है तो उस जगह पर क्या लगा रहता है यहाँ पर एक तरह से क्रैकिंग देखी जाती है टोमेटो के अपर सरफेस पे फ्रूट क्रैकिंग लीची है देखिए लीची में भी कॉमन है ये सिट्रस हो गया सिट्रस में भी कॉमन है फ्रूट क्रैकिंग

साथ ही साथ कैल्शियम नाइट्रेट को भी अप्लाई किया जाता है जिससे जो है फ्रूट क्रैकिंग से बचा जाता है ठीक है अगर फ्रूट क्रैकिंग से बचना है तो फ्रूट क्रैक अगर एक बार हो जाता है तो इसको हील नहीं किया जा सकता ओके हील नहीं किया जा सकता इसे बट इससे एक तरह से प्रिवेंटिव स्प्रे इसमें जो है की जा सकती है ओके यानी कि हम जब भी क्या रहती है फ्लावरिंग स्टेज रहती है तो फ्लावरिंग स्टेज और जैसे फ्रूट डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेजेस पे भी क्या कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन जो है अप्लाई

एक तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं क्या बनाते हैं नोड्यूल्स बनाने जैसे कि मोस्ट कॉमन अगर है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम की बात करें तो वो स्टेम नोड्यूलेशन करते हैं ठीक है स्टेम में क्या बनाते हैं जो रूट में नोड्यूलेशन करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूम्स की रूट रहती है ठीक है राजमा को छोड़ करके मैक्सिमम हर एक लेग्यूम में क्या बनती है वहां पर नोड्यूलेशन होती है तो इस तरह के क्या बनते हैं देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट्स में इस तरह के नोड्यूल्स बनते हैं ठीक है गांठे है जिसमें क्या रहते हैं सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम है ठीक है वो यहाँ पर रहते हैं बट हमारे पास एक और भी क्रॉप रहती है जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं ये वो क्रॉप है ठीक है और इसके देखिए स्टैम में भी नोड्यूल्स बनते हैं यानी कि स्टैम से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो इसलिए इस क्रॉप को एज अ ग्रीन मेन्यूअर क्रॉप जो है सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है कौन सी ये क्रॉप है ये आपको बताना है यहाँ पर हैं जी हाँ <laughs> बिल्कुल राइट आंसर है आपका कौन सा है सस बैनिया जिसे कहा जाता है इसके जो है रूट के साथ साथ स्टेम में भी क्या होती है? होती है। इसे ठीके? ठीके इसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है ज्यादा अमाउंट में होती है चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके पास है कैंकर डिजीज इन सिट्रस फ्रूट इज कॉज बाय किसके कारण होती है कैंकर डिजीज जो है सिट्रस में किसके कारण होती है ये आपको बताना है देखिए सिम्टम की बात यहाँ पर करें हम सिम्टम यहाँ पर दिए गए हैं फ्रूट में आप देख सकते हैं इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं यहाँ पर कैंकर लाइक एक तरह से वुडी अपियस जो है इसके ऊपर दिखाई देती है ठीक है रफ सर्फेस जो है हो जाता है पत्तियों में देखे तो इस तरह के जो है स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे ठीक है इनिशियल स्टेज में अगर आप देखें तो स्पॉट्स कैसे रहते हैं अलग अलग रहते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं जैसे ये ज्यादा फैलते हैं तो आपस में फ्यूज हो जाते हैं पूरी पूरी लीपर खराब हो जाती है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्यूजन जो है इनका हो रहा है तो इस तरह से ये सरफेस को क्या कर देते हैं पूरी तरह फोटोसिंथेसिस भी क्या होती है इफेक्ट रहती है इफेक्ट होती है अगर लीफ पे अटैक करते हैं और उसके बाद जब है जबकर फ्रूट पर जो है फैलता है स्टेम पर, पर लगता है फ्रूट पर पर लगता लगता है 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 लीफ मैक्सिमम हर एक प्लांट पार्ट में जो है, ये देखा जाता है। तो कौन जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा रहता है ऑप्शन सी भी कह रहे हैं कुछ ऑप्शन डी कह रहे हैं यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जिसका भी है राइट right आंसर है बैक्टीरिया कौन सा है नवीन कुमार शर्मा जी का राइट आंसर यहाँ पर शुभम गौतम जी का राइट आंसर है ठीक है

कमी हो गई थी ठीक है तो उसके लिए क्या चलाए गए एक तरह से कैंपेन चलाया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए ग्रो मोर फूड यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है फूड को प्रोड्यूस किया जाए ग्रेन्स को ज्यादा ज्यादा से जादा प्रोड्यूस किया जाए किस तरह से किया जा सकता है हाई यील्डिंग वेराइटीज को जो है अडोप्ट किया जाए उस तरह से किया जा सकता है ठीक है तो ये आपको बताना है ग्रो मोर फूड कैंपेन जो है कब जो है इसे लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है ऑप्शन बी यहाँ पर कह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल जी का राइट आंसर है 1948 ऑप्शन बी ये कह रहे है, है। वहीं पर रीड मीडिया हां भी राइट आंसर है जो है ग्रो मोर फूड कैंपेन को लॉन्च किया गया था क्योंकि आप जानते हैं उन्नीस से पैंतालीस अड़तालीस तक क्या चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था ठीक है तो उस समय पर जो है यहाँ पर क्या किया गया था अनाज की कमी हो गई थी तो ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन की जरूरत थी कंट्री को तो इस तरह जादा से ये कैंपेन कि ज्यादा से ज्यादा फूड को क्या किया जाए प्रोड्यूस किया जाए ओके चलिए नेक्स्ट देखिए ऑफ प्रिजर्विंग सेल्स एंड टिश्यू माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री इन लिक्विड नाइट्रोजन तो कौन सा जो है यहाँ पर वो मेथड क्या कहलाता है आपका जब माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन जो है

क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि एक्सट्रीम लो देखिए कितना है माइनस वन नाइन सिक्स डिग्री लो टेम्परेचर कहलाता है ठीक है तो इस में जब भी किसी सेल को ऑर्गेनली को प्रिजर्व किया जाता है देखिए आपने यहां पर आंसर यहाँ पर आया है हमारे पास ऑप्शन सी आंसर दिया था इसमें ठीक है तो देखिए जो ऑप्शन सी आपके पास टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था प्रिजर्व करना पूछा गया था कि प्रिजर्व जो है किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में टिश्यू कल्चर की बात करें तो यहाँ पर जो है सही बात है ठीक है आपने जो है इस तरह से क्वेश्चन को लिया था कि ऑर्गेनली हो गया टिश्यूज हो गया सेल्स हो गया या इसके इस्तेमाल से जब हम कोई न्यू प्लांट जब तैयार करते हैं अंडर इन विट्रो कंडीशन या लेबोरेटरी कंडीशन तो वो टिश्यू कल्चर कहलाता है ओके okay? बट यहां पर आपको प्रिजर्व करना कहा गया था लिक्विड नाइट्रोजन जब प्रिजर्व करके रखा जाता है ठीक है यानी एक तरह से कंजर्व करके रखा जाता है सुरक्षित रखा जाता है और उसके बाद जब भी उस पर कोई काम करना रहता है तो उसको वापस क्या लाया जाता है उसी के टेम्परेचर पर लाया जाता है जिस प्रोसेस को थॉइंग कहा जाता है ओके okay, क्या कहा जाता है प्रोसेस को थोइंग कहा जाता है यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन जब हमने की है इतने लो टेम्परेचर पे तो इससे हमने इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लाना है जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो रूम टेम्परेचर पर लाना है तो उस प्रोसेस को थोइंग कहा जाता है ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है क्रायो प्रिजर्वेशन में वही हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है जिसका टेम्परेचर लगभग माइनस एटी डिग्री सेल्सियस रहता है ओके चलिए तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है इन पोटेटो ब्लैक हर्ट इज कॉज देखिए इस तरह से पोटैटो में क्या हो जाता है ब्लैक हर्ट जो डिसऑर्डर एक रहता है पोटैटो में ये इस तरह का रहता है देखिए सिम्टम क्या रहता है कि पोटैटो को जब भी काटा जाता है तो अंदर इस तरह से आपको एक तरह से काला पोर्शन उसका मिलेगा अंदर तो इसे क्या कहा जाता है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो कहा जाता है तो ये क्या है स्टोरेज कंडीशन में लगने वाली बीमारी रहती है फील्ड कंडीशन में ये नहीं स्टोरेज कंडीशन में जो है ये डिसऑर्डर आता है जब जो है जैसे आप जानते हैं हिप में जो है स्टोर किया जाता है या तो बोरियो में रखा जाता है पोटैटो को तो उसमें जो जिस तक क्या नहीं पहुंच पाती वहां पर क्या नहीं पहुंच पाती ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती चलिए यही बता देते हैं ठीक है ठीके? सभी को पता होगा ये नॉर्मल क्वेश्चन है ऑप्शन है सी ठीक है जहां पर जो है स्टोरेज कंडीशन में जहां ऑक्सीजन की क्या हो जाती है डेफिशिएंसी हो जाती है वहां पर कमी हो जाती है जो अंदर अंदर जो रहेंगे ना ढेरी में आलू उसमें तक जो है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती ठीक है तो जब वहां पर इस तरह की कंडीशन रहे तो उस कंडीशन में क्या होता है ब्लैक हर्ट ब्लैक हार्ट ऑफ प्रोटेटो जो है कॉज वहां पर होता है जिससे कि वो कैसे हो हो जाते है? जाते हैं हैं खराब बाहर से देखने में तो जो है कम अंदाजा इसका लग जाता है बट अंदर से जो है जब इसे काटते हैं ठीक है है इनिशियल कंडीशन में जो है इसको पता नहीं लगाया जा सकता और एक बार अगर ये कॉज हो जाता है तो ये एक तरह से हील होने वाली डिजीज नहीं है रिपेयर होने वाली डिजीज ये नहीं है ठीक है तो कौन सा यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का जो है यहां पर कमी हो जाती है तो उस वजह से क्या होती है यहां पर ब्लैक हार्ट जो है डिजीज आती है जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है अमित प्रभात जी का भी राइट आंसर है बिल्कुल सही है ठीक है चलिए ओके तो ये थे हमारे पास आज के कुछ मेजर क्वेश्चंस ठीक है तो इसी के साथ जो है ये लाइव सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है ठीक है अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई ठीक है अगर आपको जो है हेल्पफुल लगा ये लाइव सेशन तो जो है वीडियो को जरूर लाइक करें कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ ही जो जो है है बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे ठीक है समय समय पर जो है आपके लिए पर आप लाइव सेशन हमारे द्वारा लाए जाते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल जो है आपके लिए ये रहते हैं ठीक है देखे? देखे? अगर आपको इस क्लास की जो है पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी जो पीडीएफ है हमारी ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके पर मिल जाएगी ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जो है आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी जो है आप एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं ओके तो चलिए अच्छे से जो है अपनी तैयारी करते रहिए सभी को जो है ऑल दी बेस्ट ठीक है सारे अच्छे से तैयारी करते रहिए अपनी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद